खाना खाना खा रहे हो? क्या खा रहे हो? नूडल्स खा रहे हो? से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक हो? ओके, बोलो सब्सक्राइब कर दें, कॉल कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें, और खाना अच्छे बच्चों की तरह खाएं, ठीक है, नीचे मत गिराएं, ठीक, गुड कर। नजर ही कुछ नहीं आ रहा कैमरे को, पता नहीं क्या हो गया। ये बच्चे इतनी छेड़खानी करते हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा। और मैं कैसे कितनी मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बीच में कि मुझे क्या चीज़ की वीडियो बनानी है, क्या चीज़ कवर करनी है। बस जी चिप्स बनाने लगे हैं, मिलते हैं जब फ्राई हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे जी। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्राइज़। पहले नूडल्स बना के खा चुके हैं, और तो फ्राइज़ में क्या बनाया है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने जी बनाया है फ्राइज़, कटिंग कर लिए, बीच में बेसन, अजवाइन और जो है वो चाट मसाला डाल के तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद जो है वो ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। ये इसमें रात में ना फ़िश फ्राई की थी, तो इसी को यूज़ करेंगे और ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो चलें जब फ्राई करते हैं तब दिखाते हैं। लीजिए जी, हमारी जो है वो मज़ेदार सी फ्राइज रेडी हो रही है। ये ब्लैक ब्लैक सा क्या आ गया बीच में, मछली का है ना। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चों ने खा जाएंगे, यमी से मज़ेदार से मछली खाई है। चलो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, खुद ही खाई थी, खुद ही बनाई थी, कौन सा बहुत पुरानी है, रात ही बनाई थी। चलें जी, इसके साथ ही जब मैं निकालूंगी तब भी दिखाऊंगी, और जब खाऊंगी तब तो बिल्कुल दिखाऊंगी कि कैसे खाते हैं। आप लोग खाते हैं फ्राइज? ज़रूर दिखाइएगा, बताइएगा। ओके एक मिनट कीजिएगा। ये हैं जी बच्चों की प्लेट्स, और मैंने रेडी की हैं। हम यहाँ पे इसमें फ्राइज डालेंगे, यहाँ कैचअप डालेंगे, ये टिश्यू पेपर रखा है, और ये मुस्विरा की किट्टी है, और इसके हमने यहाँ पे टिश्यू रखा है, और यहाँ पे फ्राइज, और यहाँ पे हम कैचअप सर्व कर देंगे। और उसके साथ ही चेक करते हैं जी हमारी फ्राइज कितनी को हो गई हैं, कितनी को रह गई हैं, ठीक है, कितनी मज़े की बनी हैं, कितनी यम 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 यम, ऑफकोर्स मज़े की होती है ना। तो मैं ज़रा चेक करने वाली हूँ, चेक करके बताती हूँ। ये देखें जी फ्राइज मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब ये मैं इन दोनों की प्लेट्स में सर्व करूंगी। ये पहले मैंने चेक किया था कट करके कि ये हो गया है नहीं हो गया, तो ये छोटू के हैं, छुटकू के। आ निकल जा, निकल जा, चल, ये नीचे भी गिर गया। ओह माय गॉड, तो हम इनको बैलेंस करते हैं। ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ, ठीक है, इतने चूस के, इतने चूस के। और फिर हम इसको, इन दोनों को कैचअप भी देंगे, कैचअप। ओह माय गॉड, मैंने फ्रिज में रख लिया। हाँ जी बन गई बेटा, चिप्स बन गई। कहाँ है ये देखो, कैसी है ये, मजेदार चांस की। हाँ जी, ये मेरी, नो नो, ये चांस की। हाँ, ये ज्यादा डाल गई है बेटे, क्या हो ज्यादा पड़ गई है, मैं देख उधर रही थी तो आप लोगों को कैचअप ज्यादा और गिर जाए यार। चलो जी, चलो आ जाओ दोनों, आंसर ये छोड़ दो, ये भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ लेके आओ अपनी प्लेट। चलो बैठो, आंस ले लो चिप्स, जल्दी 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 बैठो, ये गर्म बहुत है, अभी नहीं आपने खानी, ओके, वेट करना, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चे अपनी फ्राइज इंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने अपना हिस्सा कैसे बोल सकती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी अब मेरा हिस्सा है, ये मैं खाऊंगी, यमी यमी प्यारा प्यारा सा बना के। ओके चलें जी खाते हैं। मैं ये रही हमारी प्लेट्स, और ये रहे अंश बाबा, ये रही मिश्री मैडम, और ये रहे मैं, और हम तीनों। आर यू एंजॉयिंग, यस और नो? यस यस यस।
आपको 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 मजे की लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको का नजर कुछ नहीं आ रहा है ना ये आप लोगों का ही कुछ किया हुआ है, जब रिकॉर्ड करो कुछ नहीं नजर आ रहा कैमरे पे, और जब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो तो फिर नजर आती है कि आपने जितनी बनाई है सही बनी है। चलें जी अंदाजन बना रहे हैं। ओके जी हम खाते हैं मजे मजे की खाएं। ये तो अब बनने शुरू हुई है, पहले तो पता ही नहीं चला। मैं बस हाँ ना 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 कैसे मजेदार सी चिप्स है बेटे, हाँ बहुत मजे किया। ये देख धुआं झक कर रहे हैं, कितना गर्मा गर्म चिप्स है और मज़े किया भाई, मज़ा आ गया। सर्दियों में गर्मा गर्म चिप्स खाने का ना स्वाद ही अपना। कॉल पे बात कर लिया आपने, कैसे की है? करनी है। आपने भी करनी है, कर लो। अभी कर रही हूँ। कर लो। मैं तो सो रही थी, नहीं हो रही थी। आंसर जी, ये क्या मुंह में डाला हुआ, निकालो, ये नहीं मुंह में डालते, गंदा। अच्छा जी, तो बच्चों को बहला फुसला कर, कलर्स देकर, ड्राइंग बुक्स देकर, तो उनको बेड पे बिठा के आई हूँ। सर्दी है ना, बाहर निकल आते हैं, तो उनको बेड पे बिठा के आई हूँ कि वो कलर्स करें। और उनको बिठा कर मैंने जो काम किया, मैंने हंडिया बनाई है, और हंडिया में आज मैंने आलू गोभी बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गर्म है, पक रही है, तो ये देखें इसमें ना आज आलू में ना छोटे छोटे आलू आए हुए थे आलूओं में, तो अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें छोटे छोटे मैंने साबुत साबुत ही बॉल्स डाली हैं, और जब ये बन जाएंगे ना, आई होप कि ये अच्छे बने, मज़ेदार बने, और फिर हम खाएं तो सब स्वाद आ जाए सबको। आलू गोभी की सालन बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी शौक से खाते हैं, क्योंकि पता है क्या आलू होते हैं ना आलू तो सबके फेवरेट होते हैं। तो आज का डिनर हमारा ये होगा कि आलू गोभी के ये होगी ये, और सुबह हम इन लोगों इनको ना पराठों में डाल देंगे। और मैंने जो है वो धनिया कट कर लिया हुआ था और धो के रखा हुआ है, मुझे ख्याल से ना अब हंडिया मेरी जो है ना वो कंप्लीट हो गई हुई है, पक शक गई है। तो इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून जो है ना, टी स्पून जो क्या, और फिर ये जो है ना कोरिएंडर लीव्स, धनिया साहब जो है ये धो के रखा हुआ था तो मैं ये शामिल कर दूंगी। और उसके बाद हम इसको एक ज़बरदस्त सा ऐसे करके मिक्सअप देंगे ताकि ये सब सब्जियों में मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सी लुक आ जाए। और सालन जो है हमारा तकरीबन अब क्या बनाने लगे हैं? मैं कॉफी करने लगा हूँ और अच्छा। अच्छा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया अच्छा। अभी थोड़ा गर्म हो गया पानी, आगे मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा। मैं बनाने लगा हूँ 2% के लिए, क्या मैं कॉफी नहीं ला सकती? ओके आबिद, वाकई आप कॉफी की ना फैन हो गए, रोज दिल करता है कि रोज कॉफी पी ले, इतनी मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत डिलीशियस, दिल नहीं भरता। उसमें डाली है चीनी, चीनी भी जाएगी, ठीक है। अब ये क्लोज अप कीजिए, ये आप देखें कि 2 persons के लिए, अगर आपने थोड़ी हार्ड पीनी है थोड़ी से आप ज्यादा कर सकते हैं। नहीं आप जितनी बनाते हैं ना बड़ी मजे की होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, इतनी काफी है, इनफ, बस काफी, इतनी सी से 2 cups बन जाएंगे। जी जी बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड भाई, ये तो पूरा सीजन निकल जाएगा फिर हमारा जार जो है ना। हां रोज इतना ही मिक्स करते हैं, इतने से होगा। अच्छा, और चीनी, चीनी क्या है एज पर नीड, लेकिन ज्यादा चीनी लेनी नहीं चाहिए, ये भी एक सजेशन। अच्छा, इसमें भला शक्कर यूज नहीं हो सकता? नहीं, वो नहीं हो सकता, है ना। 1 चम्मच, 1 चम्मच हाँ, और 2 चम्मच इनफ है। चलो ठीक, ओके ठीक। अब आपने हॉट वाटर जो से आपने लेना है, हाँ, हॉट वाटर आपने लेना है, हाँ, अगर बड़ा है तो हाफ, अगर बड़ा है तो हाफ, अगर छोटा चम्मच है तो आप फुल ले सकते हैं।
ठीक है, हमारा छोटा चम्मच, हमारा थोड़ा नहीं टीस्पून, हाँ टेबलस्पून है ये। आप इस तरह पहले ये ऐड करें, इतना डालें, इतना डाल दिया आपने, थोड़ी देर इसको रख देना। इसकी ट्रिक ये, आप फौरन, अगर आप फौरन इसको बीट करना शुरू कर देंगे तो इसका जो टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर है ना, वो लेट आएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप थोड़ी देर उसको रख दोगे, थोड़ी देर रख दोगे कोई हाफ मिनट वन मिनट तक, ठीक है, उसके बाद आप इसको बीट करोगे इसका टेक्सचर ज्यादा जल्दी आएगा। अभी मैं इसको बीट करना स्टार्ट करने लगा हूँ, अगर एज पर नीड, अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो मजीद हम और ऐड करेंगे, एक या दो ड्रॉप, ये वन टाइम और ऐड कर सकते हैं, वन टाइम। चलो ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे आई थिंक जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले पानी कम डाला, अगर मैं थोड़ा ज्यादा डालूंगा तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं इसको ये थोड़ा बीट कर सकते हैं, ये सब मिक्स होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, ठीक है, फिर आप जैसे क्रीमी टेक्सचर बनेगा फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है बेटा। ठंडा है क्या, मुंह रगड़ी जानी पे, आना स्टार्ट हो गया टेक्सचर इसका, ठीक है, अभी इसको फुल टेक्सचर में लेके फिर आप देखेंगे। अंत को ढूंढ लो, अंत कहाँ है, ये है अंत, बनाने लगे हैं, अच्छी बात। सर अभी तक कॉफी रेडी नहीं हुई, नहीं रेडी नहीं हुई, बताएं कितनी हो गई है, दिखाएं, कब से बेचारे बाजू थक गए आपके, दिखाओ 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 दिखाओ, बाजू, वाओ, ओए होए 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 होए, यम्मी, ये क्या है, मजे, ये क्या है, ये कॉफी, कॉफी दाना रह गया वो, हाँ अच्छा चले जल्दी से फेंटे और हम इंतजार कर रहे हैं कॉफी का। एट द एंड ऑफ द डे द एनर्जी पॉइंट मिल गया है, और उम्मीद है आप लोगों ने व्लॉग इंजॉय किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और देखते रहिए मरियम आबिद ऑफिशियल, बाय बाय।